गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि फोर रजिस्टर्स ऑफ इक्वल वैल्यू कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ सप्लाई डिसिपेट्स 150 वॉट. If the same resistors are now connected in series across the same supply, then the power dissipated will be, okay? अभी क्या है कि parallel में जब सारे resistor थे same equal value के, then power कितना dissipate हो रहा था, 150 हो रहा था. अगर सारे four resistor series में हो जाए तो value क्या होगी उसकी, okay? तो अभी हम सॉल्व करके देखेंगे क्या कैसे करना है इसको. तो सबसे पहले अस्यूम कर लेंगे कि लेट आर बी द वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर ओके. अभी पहला क्या है कि पैरेलल में कनेक्ट था, ओके. व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल then equivalent resistance क्या होगा, R equivalent क्या होगा, 1 upon 1 by R plus 1 by R. ये पैरेलल में होता है इस तरीके से, ओके. ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, R by 4 ओम आएगा, ओके. तो अब हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया. अब पावर डिलीवर्ड हम निकालेंगे, पावर कितनी डिसिपेट हुई है, dissipated by the circuit. कितना होगा, P equal to V square upon R equivalent, okay? V square upon R equivalent कितना है, R by 4, ओके. पावर हमारे पास कितनी दी हुई है पैरेलल के लिए, 150 वॉट दी हुई है. वी स्क्वायर अपॉन आर बाई 4, ओके. देन वी स्क्वायर बाई आर कितना होगा, 150 बाई 4, ओके. अभी क्या है कि वी स्क्वायर बाई आर क्या होता है, पावर होता है. तो क्या है, वो इक्विवेलेंट का दिया हुआ था, हमने इस तरीके से पावर निकाल लिया. अभी सीरीज़ में देखते हैं कि इसका वी स्क्वायर बाई आर क्या आने वाला है. पैरेलल में दिया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमने वी स्क्वायर बाई आर फाइंड कर लिया है, ओके. नाउ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके. आर इक्विवेलेंट क्या होगा अगर सीरीज में कनेक्ट है, R plus R, ओके. कितना हो जाएगा, 4R. R इक्विवेलेंट हमें मिल गया.
अभी पावर डिसिपेशन निकालेंगे सीरीज की वजह से, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा, ओके वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है, 4R है, ओके पावर ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन 4R। पावर एक्चुअल दी कितनी थी, 150 पावर है, ओके तो यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन आर कितना आ गया, 4 को इस तरफ ले जाएंगे 600 वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे कितना आया था, 150 बाई आर आया था, ओके जब पैरेलल में रेजिस्टर लगा हुआ था, ओके तो उस तरीके से जब हमने सॉल्व किया तो वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू 150 बाई 4 आई। सेम इक्वल रेजिस्टर जो है वो सीरीज़ में लगा हुआ है, और सीरीज़ में लगा हुआ है आर इक्विवेलेंट हमारा निकालने के बाद जब हमने पावर वी स्क्वायर बाई आर सिर्फ निकाला तो वो कितना आ रहा है, 600 वॉट आ रहा है। मतलब क्या है कि हमारा पावर जो है इंक्रीज़ हो गया, ओके तो सीरीज़ पैरेलल के कभी भी क्वेश्चन इस टाइप से रहेंगे कि पैरेलल में दो रजिस्टर कनेक्ट हैं या 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं, या सीरीज़ में हैं तो पैरेलल की कुछ वैल्यू दिए रखी है, सीरीज़ में कितनी पावर आएगी इस तरीके से फाइंड करना होगा। तो ये अप्रोच है, इस तरीके से इसको फाइंड करेंगे, ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं फिर।